नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। तीन तरीके की टेस्टिंग हम पढ़ेंगे, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। द टेस्टिंग मेथड्स डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स वर एप्लीकेबल टू यूनिट टेस्टिंग। जो हमने पिछली स्लाइड्स में टेस्टिंग पढ़ी थी ना, अलग अलग जो भी हमने टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पढ़ी थी, वो यूनिट टेस्टिंग के ही बेसिकली आगे फर्दर टाइप्स थे। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि अगर आप यूनिट को नहीं चेक करना चाहते, आप थोड़ा मतलब जैसे यहां से आप समझो, अगर यूनिट हो गया हम सारे यूनिट्स को, सारे मॉड्यूल्स को अलग अलग चेक कर रहे हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया कि कुछ मॉड्यूल्स को हमने जोड़ दिया, ठीक है, और भी अगर मॉड्यूल्स हैं कुछ, ठीक है, तो इनको भी जोड़ दिया अलग अलग, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो पूरी यूनिट टेस्टिंग को आप ना करके, अलग अलग ना करके आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। और सिस्टम टेस्टिंग क्या है कि सारे मॉड्यूल्स हमने जोड़ दिए, फाइनली सारे जोड़ दिए, कोई भी ऐसा मॉड्यूल नहीं बचा जो जुड़ा ना हो। ठीक है, जो भी हमारा ऑर्डर था, जिस भी तरीके से जुड़ने थे, उसमें हमने मॉड्यूल्स जोड़ दिए। ठीक है, फाइनल चेक जो है सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली है। ठीक है, तो तीनों ही तरीके की टेस्टिंग हम पढ़ेंगे और तीनों में क्या क्या फर्क है, क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब हम देखते हैं। सिस्टम टेस्टिंग इज फंक्शनल रेदर देन स्ट्रक्चरल। अब इस बात का क्या मतलब है, तो आप जब सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको सिस्टम का स्ट्रक्चर पता होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, किसी एक आदमी ने ये मॉड्यूल बनाया होगा, दूसरे ने ये मॉड्यूल बनाया होगा, तीसरे ने ये मॉड्यूल बनाया होगा, सबने अलग अलग स्ट्रक्चर रखा होगा अपने हिसाब से, सबको अपने अपने मॉड्यूल का स्ट्रक्चर पता होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चर किसी एक आदमी को पता होना या फिर किसी एक टीम को पता होना बहुत मुश्किल है। इसलिए सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग हम इसमें करते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको बिल्कुल वीडियो बाय वीडियो आना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स खत्म करने के लिए। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग क्या है, एक तरीके की फंक्शनल टेस्टिंग है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर पता होना ही इतना मुश्किल है, तो सिर्फ फंक्शन टेस्ट करते हैं, देखते हैं सारी फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। एक्टिविटीज कैरिड आफ्टर और अलोंग टेस्टिंग। अब क्या क्या बेसिकली काम करते हैं हम टेस्टिंग के पैरेलली या फिर टेस्टिंग के बाद, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, डिस्कशन विद कस्टमर टू शेड्यूल इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग मटेरियल। ठीक है, तो आप देखो टेस्टिंग एक तरीके का बिल्कुल आखिरी फेज है, इसके बाद बस यही काम होना रह जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन रह जाएगी, प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन रह जाएगी और ट्रेनिंग मटेरियल कस्टमर को देना, वो सब रह जाएगा, बस बाकी काम हमारा हो चुका। तो टेस्टिंग जनरली लास्ट फेज नहीं की जाती है, स्पेशली सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग क्या है, taking a module and running tests on it in isolation by using prepared test cases and interpreting the results. Advantages क्या हैं इसके? Error location easy है, जो भी आपका एक single unit है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से बड़ा कर दिया मैंने unit को, बाकी unit से आपको मतलब नहीं है, तो इसके अंदर का structure वगैरह जिसने भी ये module बनाया है, unit ये वाला बनाया, उसको पता होगा इसके अंदर का structure वगैरह, तो error location काफी आसान है, पता लगाना आसान है कि error कहाँ पे है। Prevents multiple error interaction. अब एक फायदा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इस यूनिट में कोई एरर है E2, इस यूनिट में कोई एरर है E3 और इस यूनिट में एरर है E1, तो अगर आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो ना सिर्फ, तो E1 एरर और E2 एरर मिलके कोई नया एरर नहीं बना सकते। ठीक है, E3 एरर और E1 एरर मिलके कोई नया एरर नहीं बना सकते। कई बार ऐसा होता है कि दो एरर की वजह से कोई एक एरर आ रहा है, तो उस एरर को पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दो एरर से मिलके बना है। ठीक है, तो मल्टीपल एरर इंटरेक्शन यूनिट टेस्टिंग में नहीं होता। अगर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते या फिर सिस्टम टेस्टिंग, तब मल्टीपल एरर इंटरेक्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये इसका एडवांटेज है। प्रॉब्लम्स क्या है, नो वन टू कॉल, नो वन टू बी कॉल्ड बाय, मतलब जैसे अब ये यूनिट जो है आपका, ठीक है, ये इस यूनिट टेस्टिंग में आपको इस यूनिट को चेक करना है, बाकी यूनिट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इस यूनिट को हम कैसे चेक करेंगे, इसको बेसिकली कोई फंक्शन, कोई और यूनिट इसको कॉल कर रहा होगा और ये भी किसी और को कॉल कर रहा होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इनपुट आएगी और ये इसकी आउटपुट होगी एक तरीके से, है ना, तो ये हमारे पास है ही नहीं है, इनपुट हमें पता ही नहीं है और आउटपुट हमें पता ही नहीं है, दूसरे यूनिट्स हमारे पास है ही नहीं, और ये इनपुट ऐसी नहीं है कि नॉर्मल इंटीजर या कुछ इनपुट होगी, वो तो हम आर्टिफिशियली जनरेट भी कर सकते हैं, इसके लिए आर्टिफिशियली जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार कॉम्प्लेक्स इनपुट्स होती हैं, तो वो आर्टिफिशियली जनरेट करना मुश्किल हो जाता है, हमें दूसरे मॉड्यूल से लिंक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वही मॉड्यूल इसको वो इनपुट दे पाएगा जो इसको चाहिए। ठीक है, तो बिना लिंक करे हम वो इनपुट इसे नहीं दे सकते, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कि कोई इसको कॉल नहीं कर रहा और ये भी किसी को कॉल नहीं कर रहा, तो कैसे हम आउटपुट इनपुट दिखाएं, तो आउटपुट हम कैसे दिखाएं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, स्टब्स, दे आर यूज टू रिप्लेस द मॉड्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड बाय द मॉड्यूल टू बी टेस्टेड। ठीक है, तो बेसिकली जो हम मैंने बताया ना आपको, आर्टिफिशियल मॉड्यूल्स, एक नए एक सैंपल मॉड्यूल्स हम बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो मॉड्यूल था, इसका हमने एक सैंपल मॉड्यूल कोई और बना लिया। ठीक है, ये मॉड्यूल अलग कैसे है इस मॉड्यूल से, इसके अंदर हमने मतलब सिर्फ मेन फंक्शनैलिटी, मेन जो इसकी इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी है, वही हमने बस रखी है, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वगैरह पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए हमने एक मॉड्यूल बनाया है जो इसके जैसा काम करता है।
ठीक है, तो वो एक आर्टिफिशियल हम बना के इनपुट आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं, यही हमारे बेसिकली स्टब्स है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग भी बोल सकते हैं इस प्रोसेस को। दे डू मिनिमम डाटा मैनिपुलेशन, जितना मिनिमम से मिनिमम जितनी हमें जरूरत है इनपुट आउटपुट की बेसिकली उतने ही हम बनाएंगे इस मॉड्यूल में, फालतू चीजें हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एडिशनल फीचर जो भी है नहीं बनाएंगे, सिर्फ इतना बनाएंगे कि हमारा काम हो जाए, हम इस यूनिट को टेस्ट कर पाए। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज यूज्ड इन यूनिट टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जैसे मैं आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल टेस्टिंग जो है आप अंदर का भी देख सकते हैं, ठीक है, व्हाइट बॉक्स मतलब अंदर का विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, अंदर का स्ट्रक्चर की भी बात होगी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर है सिर्फ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में हमने पढ़ा था सभी, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है। मल्टीपल यूनिट्स कैन बी टेस्टेड पैरेलली, अब पैरेलल टेस्टिंग भी इसमें हो सकती है, जैसे पहले यूनिट को कोई और चेक कर रहा है, दूसरे यूनिट को कोई और चेक कर रहा है, तीसरे को कोई और कर रहा है, ठीक है, तो पैरेलली भी चेकिंग हो सकती है। यूनिट टेस्टिंग कैन बी लेफ्ट आउट समटाइम्स आल्सो, हम डायरेक्टली यूनिट टेस्टिंग से इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे भी जा सकते हैं, बिना यूनिट टेस्टिंग करे हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे भी कई बार चले जाते हैं, क्योंकि यही वाली जो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम आती है वाली कि कोई कॉल करने को है ही नहीं, ना ही कोई और कॉल कर रहा है इसको, ठीक है, तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर मॉड्यूल की एक बार यूनिट टेस्टिंग हुई हो, तो ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, यूनिट टेस्टिंग से बाद में इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है और बाद में फाइनल सिस्टम टेस्टिंग होती है, ठीक है, तो कई बार इस प्रोसेस को छोड़ भी दिया जाता है, इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि टाइम बचे, क्योंकि बाद में तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में तो एक चेक होएगा ही, सिस्टम टेस्टिंग में भी एक फाइनल टेस्ट होगा ही। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग मेन पर्पस इज टू चेक करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। अब आपने जो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स थे उनको तो चेक कर लिया यूनिट टेस्टिंग में, इसको अलग, इस मॉड्यूल को अलग, इसको अलग चेक कर लिया, लेकिन अब हम इंटीग्रेट करके चेक कर रहे हैं कि दोनों आपस में कैसा वर्क करते हैं, सारे मॉड्यूल्स जुड़ के कैसा काम करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है हम सारे मॉड्यूल्स जोड़ें, हो सकता है अभी जो बचे हुए मॉड्यूल्स हैं उनको हम छोड़ दें, बाहर ही छोड़ दें, और इन्हीं तीन को हमने ज्वाइन किया, इनको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। इसके टाइप्स क्या है, टॉप डाउन इंटीग्रेशन है, बॉटम अप इंटीग्रेशन है, या फिर सैंडविच इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो टॉप डाउन इंटीग्रेशन में हम ऊपर से जोड़ना शुरू करते हैं, इस मॉड्यूल से हमने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, जितने भी ब्लैक वाले हैं वो ज्वाइंट है, अब जो ब्लू वाले जो है ना वो हम बाद में जोड़ेंगे इस तरीके से, इनको मैं ब्लैक करता जा रहा हूं, मतलब बाद में ये इस तरीके से जुड़ेंगे, टॉप से डाउन हम आ रहे हैं। बॉटम अप में क्या है कि नीचे से ऊपर जाते हैं, ये ब्लैक वाले हमने नीचे के जोड़ लिए, बॉटम के हमने जोड़ लिए, अब हम ऊपर जाते जाएंगे, इसके बाद हम इसको भी जोड़ लिया, फिर इसको जोड़ लिया, तो इस तरीके से बॉटम से अप जाएंगे, टॉप डाउन बॉटम अप। सैंडविच इंटीग्रेशन दोनों का बेसिकली मिक्स है, साथ ही साथ टॉप डाउन भी चल रही है, साथ ही साथ बॉटम अप भी चल रही है, अब हल्के हल्के सारे ज्वाइन होते चले जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, साथ साथ हो रहा है सब कुछ काम इस तरीके से। विच वन टू अप्लाई, अब तीनों में से किस तरीके की इंटीग्रेशन हमें लगानी चाहिए। Not all modules are ready for integration. ठीक है, तो अब हम कैसे चूज करें कौन सी लगानी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सारे modules integration के लिए तैयार नहीं है। For example, हो सकता है ये वाला module अभी test ना हुआ हो, ठीक है, तो इस पर मैं cross लगा देता हूँ, ये वाला भी module test ना हुआ हो, तो इसको हम integrate ना करें, नहीं करेंगे, और ऐसे यहाँ पे ये वाला module अभी test ना हुआ हो, तो हम ऐसी approach चुनेंगे जिसमें वो वाले module कम से कम आ रहे हो जो test नहीं हुए, ठीक है, या फिर वो अभी ready नहीं है integrate होने के लिए, यूनिट टेस्टिंग उन पे नहीं हुई है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम डायरेक्टली नहीं लगाना चाहते अगर उन पे, तो हम ऐसी अप्रोच चुनेंगे जिसमें ऐसे कम से कम मॉड्यूल्स आए जो अभी टेस्ट नहीं हुए। तो कोई एक अप्रोच ऐसे मतलब तय नहीं है, डिपेंड करती है कंडीशन टू कंडीशन, डिपेंड करती है कौन सी अप्रोच हमें लगानी है। टॉप डाउन इंटीग्रेशन इज एन एक्सरसाइज इन फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट वेल, व्हाइल बॉटम अप इंटीग्रेशन शोज दैट थिंग्स रियली डू वर्क। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक लेवल से जब हम जोड़ रहे हैं ना, तब हम जनरली एक एक चीज को चेक भी कर रहे हैं कि सारी चीजें देखो वर्क कर रही हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल जोड़ा, फिर आगे जोड़ते चले गए। और टॉप डाउन इंटीग्रेशन क्या है कि हम पहले से मान के चल रहे हैं कि सब कुछ सही चलेगा, ठीक है, और ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं, हम बेसिक लेवल से शुरू नहीं कर रहे, टॉप से शुरू कर दे रहे, मान के चल रहे हैं सब कुछ सही ही चलेगा, ये एक बात है जस्ट, मतलब ठीक है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मतलब अपनी अपनी आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है सेंटेंस को लेकर, जस्ट मैंने बता दिया वैसे आपको। We are moving away from structural testing and towards functional testing. अब जैसे जैसे आप सबसे पहले आपने यूनिट टेस्टिंग करी, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करी, अब आप सिस्टम टेस्टिंग की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हो ना, तो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, सबका स्ट्रक्चर पता होना, सबका स्ट्रक्चर पता लगाना बहुत मुश्किल है, और सिस्टम टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर मॉड्यूल, सबका स्ट्रक्चर पता लगाना मुश्किल है, तो इस वजह से हम जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यूनिट से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से सिस्टम, तो फंक्शनल टेस्टिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को हम छोड़ते जा रहे हैं। कैसे, सारे मॉड्यूल्स मिलके जो अपनी बेसिकली फंक्शनैलिटीज हैं उनको हम चेक कर रहे हैं, क्या वो कर पा रहे हैं पूरी अपनी फंक्शनैलिटीज, अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं।
इसके बाद आपका सिस्टम टेस्टिंग, टेस्टिंग सिस्टम्स कैपेबिलिटीज मोर इंपॉर्टेंट देन टेस्टिंग इट्स कंपोनेंट्स। अब अलग अलग कंपोनेंट्स को हमने चेक कर लिए थे, जोड़ के भी कर लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग में और इंडिपेंडेंटली भी कर लिए यूनिट टेस्टिंग में। अब सबको हम जोड़ देंगे, जिस भी ऑर्डर में हमें जोड़ना है सबको जोड़ के एक फाइनल फंक्शनैलिटी टेस्ट करेंगे पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर का या पूरे के पूरे सिस्टम का, कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ आपस में ज्वाइन होके कैसा चल रहा है। तो ये है हमारी सिस्टम टेस्टिंग। We should test old capabilities first rather than new ones. अगर आप किसी तरीके का बेसिकली नया वर्जन निकाल रहे हैं, पुराने सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आप निकाल रहे हैं, तो पहले पुरानी फंक्शनलिटीज आप चेक करें कि कहीं उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं आ गई, क्योंकि पुरानी तो एटलीस्ट सही चल रही होनी चाहिए, नई वाली तो आप दोबारा भी कुछ टाइम ले सकते हैं कस्टमर का, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछला सॉफ्टवेयर ही आपने खराब कर दिया। तो नई जो फंक्शनलिटीज हैं वो आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप पुरानी फंक्शनलिटीज चेक करें। अगर आप एक नया वर्जन निकाल रहे हैं तो पिछले सॉफ्टवेयर में जो जो थी फंक्शनलिटीज उनको आप चेक करें। अब एक टेबल मैंने बना दी है कि सिस्टम टेस्टिंग में आपको क्या क्या बेसिकली चेक करना है। आपको चेक करना है क्या प्रोडक्ट यूजेबल है, यूजेबल है तो उसकी कन्वीनियंस कितना है, कस्टमर को कितनी आसानी हो रही है उसको यूज करने में, क्लैरिटी कितनी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा एम्बिग्यूटीज आप हटाने की कोशिश करें। सिक्योर है क्या वो, सेंसिटिव डाटा वगैरह बेसिकली लीक तो नहीं हो जाता, ठीक है, तो सिक्योरिटी का उसमें पूरा ध्यान रखना है। कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर जो आपका निकल के आया है वो पोर्टेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, पोर्टेबल मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे हार्डवेयर कंपेटिबल हो, सॉफ्टवेयर कंपेटिबल हो, ये इसकी सारी बातें हैं। डिपेंडेबल मतलब क्या हम उस सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर सकते हैं, अपना जो डाटा है और जो भी हमारा बेसिकली इंफॉर्मेशन है वो सारी उसमें सिक्योर रहनी चाहिए, स्टोर्ड रहनी चाहिए, तो उस पर हम डिपेंड कर पाए, तो रिकवरी और बैकअप की उसमें बेसिकली ऑप्शंस होनी चाहिए, ऑटोमेटिक डाटा रिकवरी या फिर ऑटोमेटिक डाटा बैकअप, रिस्टोर पॉइंट, वो सब इसमें होना चाहिए। और लास्ट है डॉक्यूमेंटेड, यूजर मैनुअल्स वगैरह उसकी सबसे सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिकली सिस्टम टेस्टिंग में हमें ये इस तरीके का एरो एक आप देख लो, यहाँ भी मैंने वैसे एरो बना दिया है कि सबसे बेसिकली जो टॉप प्रायोरिटी पे हमारा कि यूजेबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर, उसके बाद सिक्योरिटी चेक करेंगे, फिर कंपेटिबिलिटी, फिर वो डिपेंडेबल होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा यूजेबिलिटी है, फिर सिक्योरिटी, उसके बाद ये बाकी सारे। वैलिडेशन, अब सिस्टम टेस्टिंग हमने कर ली, इसके बाद एक बार हम वैलिडेशन भी कर लेते हैं कि चेक कंप्लीट सॉफ्टवेयर विद कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से पूरे सॉफ्टवेयर को चेक करें कि कस्टमर ने जो जो बोला था क्या वो हमारा बेसिकली मीट हो गई है रिक्वायरमेंट्स, सारी जो भी हमारी SRS में जितनी भी पॉइंट्स थे सारे मीट हो जाने चाहिए, और भी हमें बेसिकली कस्टमर के पर्सपेक्टिव से उस पूरे सॉफ्टवेयर को एक बार आप देखेंगे, सारी जो जो कस्टमर की डिमांड्स थी वो मीट हो रही होनी चाहिए, और इस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को देखें कि कस्टमर को कितनी आसानी होगी उसको चलाने में। ये हमारी तीनों ही टाइप की टेस्टिंग थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।